Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 25 years and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of free advice in real estate. So today's topic is Marathon Next Zone at Panvel. So let's begin with the show. So friend, this is Marathon Nexon and this building body, which is recently launched by Marathon Group. और ये सेकेंड फेज के अंदर है. यहाँ पर इनका अगर आप देखोगे तो Marathon Nexon करके है, ये करीबन 25 acre का प्लॉट है जिसमें फेज वन ऑलरेडी लॉन्च्ड और ऑलरेडी सोल्ड आउट है. उसमें कुछ फ्लैट शायद हो सकते हैं अवेलेबल 2 or 2.5 BHK. और फेज टू में भी इनका इनके चार बिल्डिंग में से एक ये सेकंड बिल्डिंग है बोडी. तो इसमें जो फ्लैट्स अवेलेबल है, जो बन रहे मतलब वो बन रहे हैं सिर्फ 1 BHK. आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली सिर्फ बोडी के बारे में. थोड़ा सा मैं आपको आइडिया आपको फेज वन के बारे में भी बताऊंगा. तो वहाँ पे भी आप फेज वन का भी आप थोड़ा सा आप देख लीजिए, ताकि अगर किसी को सपोज 2 BHK या 2.5 BHK चाहिए, अगर कोई फ्लैट्स अवेलेबल है अगर फेज वन में या इसके पहले वाले बिल्डिंग में जो लॉन्च किया था अगर उसमें अवेलेबल है तो वो भी आपको मिल सकता है, पर बोडी स्पेशली फॉर 1 BHK फ्लैट. तो यहाँ पर जो बिल्डिंग जो है बोडी, इट इज बेसिकली 33 फ्लोर बिल्डिंग और टोटल प्लॉट एरिया जो है 25 एकर प्लॉट है. और ये जो बिल्डिंग है बोडी, इसका 33 फ्लोर की बिल्डिंग्स है, ग्राउंड प्लस 33 फ्लोर. और अभी जो बुकिंग ले रहे हैं वो सिर्फ 20th फ्लोर तक ले रहे हैं. जब 20th फ्लोर तक बुकिंग जब उनका पूरा हो जाता फिर ऊपर हायर फ्लोर का बुकिंग वो ओपन करेंगे. बट इनिशियली हर डेवलपर नॉर्मली ऐसे ही करता है कि लोअर फ्लोर का बुकिंग पहले खुलता है फिर उसके बाद हायर फ्लोर का बुकिंग खुलता है. तो अब जो बुकिंग जो खुला है वो 20th फ्लोर तक बुकिंग खुला है इसका. सो फ्रेंड, इस फ्लैट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस फ्लैट के अंदर बैल्कनी दिया हुआ है, जो कि ये बैल्कनी करीबन 8 फीट लंबाई में है और 5 फीट ऐसे बाहर की तरफ है ब्रेथ में. तो 8x5 की अच्छी बैल्कनी दी हुई है जहाँ पर आप 2 चेयर और 1 टीपॉय आराम से रख सकते हो. और सभी फ्लैट्स आप देखेंगे, सब फ्लैट्स का जो व्यू है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो लोकेटेड है ऐसे पनवेल में ऐसे पोजीशन पे लोकेटेड है जहाँ पर आजू बाजू में सारी ग्रीनरी और ओपन स्पेस है चारों तरफ, और एट द सेम टाइम यू आर क्लोजर टू द सिटी ऑल्सो. तो आप बैल्कनी में अगर 2 चेयर और 1 टीपॉय रख के बैठते हो तो आप इस बाहर का जो मौसम है, बाहर का जो व्यू है, उसका आनंद ले सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो. तो ये बैल्कनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. और प्लस यहाँ पर वर्टिकल गार्डन के लिए जगह दिया हुआ है, यहाँ पर आप प्लांटेशन कर सकते हो, कुछ थोड़े बहुत पॉट्स वगैरह यहाँ पर आप रख सकते हो. तो बैल्कनी जो है वो आप थोड़ा सा प्लांटेशन यहाँ पर कर सकते हो. नाउ व्हेन यू सी ओवर हियर, व्हेन वी स्पीक अबाउट बोडी इज स्पेशली ओनली 1 BHK फ्लैट्स डेवलपर इज मेकिंग इन दिस बिल्डिंग. There are 2 BHK and 2.5 BHK. इसके लिए यहाँ पर लिखा है 2, 1 and 2 BHK starting from 51 lakhs onwards. तो बॉडी में स्पेशली जो इस बिल्डिंग में है वो सिर्फ 1 BHK है, जो कि 51,70,000 से शुरू होता है, which includes your stamp duty, registration, GST and society development charges. So everything is included in this 51 lakhs for 1 BHK. 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है, पर वो फेज वन और जो 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 फेज टू में जो इसके पहले जो बिल्डिंग बनी थी उसमें अवेलेबल है. तो अगर किसी को अगर पुराने फेज वन में जाना है या इसके पहले वाले बिल्डिंग में जाना है, क्योंकि ये फ्रेश लॉन्च है, इसके पहले वाले बिल्डिंग में जो जाना है तो वहाँ पर भी कुछ फ्लैट्स अवेलेबल, बहुत ज़्यादा फ्लैट्स अवेलेबल नहीं, कुछ फ्लैट्स अवेलेबल है. तो इसके लिए यहाँ पर 2 BHK लिखा हुआ है, जो कि वो अलग प्राइस में रहेगा. मैं प्राइस आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूँ. बोडी इज अ ब्रांड न्यू टावर इन दिस कॉम्प्लेक्स इन Marathon Nexon. सो फ्रेंड, दिस इज द एक्चुअल व्यू फ्रॉम, से इट इज टेकन फ्रॉम द एक्ट फ्रॉम, यू कैन से इट इज 5th or 10th floor व्यू where you get total open spaces there, right? You can see at the distance there's a hills are there and it's all greeneries are there over here. और बरसात के दिनों में तो ये पूरा बादल यहाँ पर नीचे आ जाते हैं. तो पनवेल इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस टू स्टे
और सेकेंडली इट्स इन द हाइट, सो वहाँ से भी आगे आप जाते हो लोनावाला, फिर वो हिल स्टेशन पे आ जाता है, थोड़ा सा हिल स्टेशन पे आ जाता है। पर यहाँ पनवेल में आप देखोगे यहाँ पर ये पोल्यूशन फ्री जोन है, काफ़ी अच्छा जोन है और यहाँ पर रहने का मज़ा ही कुछ और है। और प्लस अभी तो काफ़ी एमिनिटीज़ और आउटर फैसिलिटीज़ वगैरह जो कनेक्ट हो रहा है पनवेल से, थोड़ी देर में आपसे मैं शेयर करूँगा। तो पनवेल इज नॉट फार फ्रॉम द सिटी, यू आर इनसाइड द सिटी बेसिकली। तो यहाँ पर आपको जो बेनिफिट आपको जो मिलेगा, जो एक तो क्लाइमेट जो अच्छा रहेगा, प्लस फ्लैट आपका बैल्कनी के साथ में, प्लस ट्रैवलिंग यहाँ से कम्यूट करते हो आप कोई भी जगह पर, तो आपका ट्रैवलिंग टाइम जो होगा वो बजारले सा मुंबई ट्रैवल करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अदरवाइज सराउंडिंग एरिया में कहीं पर भी आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवलिंग इज़ वेरी इजी फ्रॉम यर बिकॉज ऑफ रेल्स, रोड्स एंड अदर थिंग्स विच आर डेवलपिंग सो फास्ट फॉर सो रैपिडली in Panvel area. This is the size of the balcony, as I told you, 8 feet by 5 feet 2 inches. So this is proper rectangle hai ye. Proper rectangle hai. Aur rectangle mein bhi ye jo lambai hai iski, yahan par ye 5 feet diya hua, 5.2 inch diya hua yahan par. Aur ye 8 feet diya, to ye matlab kafi bada ho jata apne aap mein. Aur do chair aur ek teepoy rakh ke aap मजा ले सकते हो क्लाइमेट का और बाहर के व्यू का। व्यू कुछ इस तरीके का व्यू है बिल्डिंग के सराउंडिंग एरिया में और इट्स वेरी फैंटास्टिक व्यू। सो 459 स्क्वायर फीट इज रेरा कारपेट, सो दैट्स अ स्टैंडर्ड कारपेट एरिया विच डेवलपर इज गिविंग। देयर आर नो टू कारपेट्स इन दिस बिल्डिंग, 431 इज द एक्चुअल कारपेट एंड 459 इज द रेरा कारपेट। तो बेसिकली रेरा कारपेट क्या होता है, जैसे ये 459 कारपेट एरिया है और यहाँ पर जैसे एक वॉशरूम है, किचन है, बैल्कनी है, उसके बाद आप देखोगे आगे तो ये बेडरूम में ये अटैच्ड है। तो रेरा कारपेट जो होता है ये वॉल से शुरू होता है, जैसे हम लोग बेडरूम से भी शुरू करते हैं, तो ये इंटरनल कारपेट ये यहाँ से यहाँ तक जब आता है तो इस अंदर वाले वॉल को भी गिना जाता है कारपेट में, तो ये यहाँ से आगे चलेगा कारपेट, तो अंदर वाले वॉल को भी वो कारपेट में गिना जाता है और वो आगे चलकर ये ऐसे आता है यहाँ पर और ये बाहर की तरफ जाकर फिर ये वापस ये अंदर आता है यहाँ पर, ये सारा कुछ गिना जाता है। तो आपका जो इंटरनल वॉल है, ये वाला वॉल इंटरनल वॉल कारपेट के अंदर गिना जाता है उसको, तभी उसको रेरा कारपेट बोलते हैं। तो आपका पूरा जो बॉक्स अंदर का है फ्लैट का वो सारा गिना जाता है। तो मतलब यहाँ से फिर हम लोग आउटर बाउंड्री पे आते हैं, जो इनसाइड का जो बाउंड्री है, जो फ्लैट के कारपेट एंड एरिया का जो इनसाइड बाउंड्री वॉल है वो सारा रेरा कारपेट। अब जैसे मैं ये लाइन यहाँ पर सीधा आगे चला रहा हूँ एरो, तो ये आपका रेरा कारपेट के अंदर आ गया। इसके लिए हम लोग डायमेंशन गिनेंगे तो यहाँ से सीधा इस वॉल को क्रॉस करते हुए आगे चल जाएंगे, फिर मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न यहाँ से लूंगा और जब मैं लेफ्ट लेता हूँ और जब मैं यहाँ से राइट टर्न लेता मैं अपना कर्सर यहाँ पर राइट घुमाता हूँ तो फिर मैं इसको लेफ्ट में ले लूंगा। मैं इस दीवार को नहीं गिनूंगा बिकॉज वो आपके रेरा कारपेट में आ गया। तो मैं यहाँ पर वापस कर्सर घुमा के इसको यहाँ पर ले लूंगा ऐसे, तो ये मेरा कर्सर ऐसे जाकर, फिर जब आप ऊपर देखोगे तो मेरा कर्सर ऐसे जाकर फिर यहाँ पर ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाकर फिर ऐसे नीचे घूमेगा। तो जो ये जो पोर्शन में जो मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, जिसको कारपेट में ये मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, तो इसको बोला जाता है रेरा कारपेट। के रेरा कारपेट का मतलब होता है द फुल कारपेट फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड ऑफ द फ्लैट, राइट फ्रॉम द हॉल टू द बेडरूम। There are walls are also included in the carpet area, so that is called the rera carpet. So when you say the rera carpet, so actual usable area you are getting 431 because there are these walls are there included in the rera carpet. So actual carpet to use you will get 431 and 459 is the chargeable rera carpet area. Now when you see on the master layout of the plan over here, so this is phase 2
And this is also phase two, which will be coming in future, which both the building will be having similar amenities. इसके लिए यहाँ पर phase two रखा है क्योंकि ये इसका extension plot है. और ये जो है ये phase one है. यहाँ पर आप देखोगे back side में, ये पीछे की तरफ ये phase one है, जिसमें 2 and 2.5 BHK flats दिए हुए हैं. और यहाँ पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं बॉडी की. बॉडी में जो है इसमें 11 फ्लैट है. ये दोनों बिल्डिंग जो है एक ही बिल्डिंग है, करीबन ये 33 स्टोरी की बिल्डिंग है. और इसमें सारे फ्लैट्स जो बने हैं वो स्टैंडर्ड 459 कारपेट एरिया का बना हुआ है और स्टैंडर्ड 1 BHK इसमें. सो ये सीडार और डेफोडल जो है ये पहले ही लॉन्च कर दिया था इन्होंने. तो अब इस बिल्डिंग में ये पहले लॉन्च किया हुआ, तो यहाँ पर अगर कुछ आपको 1, 2 या 2.5 जो भी डेवलपर ने बनाया होगा, अगर यहाँ पर कुछ अवेलेबल है तो उसमें मिल सकता है. वैसे तो 90% फ्लैट इज सोल्ड आउट. बॉडी में सिर्फ 1 BHK फ्लैट्स है और एस्टर अभी तक लॉन्च किया नहीं है. सो दिस इज फेज टू विच इज अराउंड 7 to 8 acres आप बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 7 acres के ऊपर नहीं होगा ये प्लॉट. और ये फेज वन पीछे की तरफ है यहाँ पर, और जो फ्यूचर डेवलपमेंट ये आगे आने वाला है. So friend, this is the elevation of the building. This is how the building will look. And as you see, it's a very decent elevation of the building. This is again the bigger view of the building. So you can see building is, it's a square shaped building. And basically curve hota hai. Aise aage chal kar ek curve hota hai building. और body जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर body आ रहा है. और तो ये एलिवेशन है बेसिकली बिल्डिंग का और ये एक्चुअल फोटो है साइट का. तो यहाँ पर आप देखोगे पीछे की तरफ काफ़ी ग्रीनरी है और यहाँ पर भी काफ़ी ग्रीनरी है. सराउंडिंग एरिया इज ऑल ओपन ओवर हियर एंड दिस इज द मेन हाईवे विच इज गोइंग टू अमेर. दिस इज आई थिंक सो द हाईवे विच इज गोइंग टू पनवेल एंड लोनावाला फर्दर. सो दिस टाउनशिप मैराथन नेक्सॉन इज पनवेल्स फाइनेस्ट टाउनशिप एंड it has around 16 towers total. Tower total phase 1 2 and 3 mein aap dekhoge total 16 towers are there and total plot area is 25 acre plot areas in which 2500 flats will be made and out of which 1300 homes are already delivered. So you can see over here the image of the flat. It's a full french cut window with large balcony over here, and this balcony is the plus point for this flat. Especially even the carpet area, the 459 carpet area is the larger size 1 BHK, and plus you have this balcony, so you can imagine the flat size with the full French cut window. So ventilation and cross ventilation and light will be full 100% light will be there and cross ventilation will be there in this flat, and plus you can see the outside view also if you want a fresh air outside the flat. I mean fresh air to rahega because the windows are from end to end, from wall to height mein bhi dekhenge to it is end to end, aur yahan par bhi dekhenge end to end window diya hua hai, sliding windows hai jisko hum log bench cut windows bolte hain. So otherwise, like if you want to see the view outside, you can just go out and relax there. So this is how the flat is, and of course the decoration, jaisa aap kharcha karoge utna kam hai, but this the color and the tilings are very beautiful and wonderful. Tiles has been given in this flat, and all the fittings and like CP fittings and sanitary and tiles and wirings and everything, so all branded quality fittings have been given inside this flat. So here also you see this is the kitchen image, and they have made very lovely platform over here with sink on one side. And here also you see there's a fixed glass window. This is a fixed glass window. You can open this upper portion over here, but ye niche ka portion open nahi hoega, but you can open this upper portion over here. There will be some place to open from here. So here also you have a good cross ventilation in this flat. And when you see the bedroom image, again the bedroom is designed very beautiful with full glass, and here they have given the fixed glass below.
below there is a fixed glass, and these top glasses can be slided. This is a sliding window on top. तो यहाँ पर ग्लास का देने का रीजन यही है कि enough of bright light will be there inside. Again, this is the image of the swimming pool and the elevation and the side. You can see over here there's a side chair and swimming pool. So it's a large size swimming pool developer is giving inside this flat, and very beautifully designed, very unique shape is there for this swimming pool. And अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे, there is a wooden flooring has been given surrounded to swimming pool, and lots of trees are also given. तो रात के टाइम अगर देखेंगे जब इस पर लाइट्स होगा तो इस स्विमिंग पूल और जब झाड़ियों के अंदर भी ट्रीज के अंदर भी जब लाइट जब चलेगी तो इट कॉम्प्लेक्स विल लुक मोर ग्लैमरस एंड इट विल लुक मोर गुड. और उसके बाद आप बिल्डिंग का एलिवेशन आप देख रहे हो, तो अगेन द बिल्डिंग एलिवेशन एंड you can see over here, it is very well designed and very well planned. Again, you see the balconies over here, there are balconies over here, and these are swimming side chairs has been provided over here, this side over here. So with umbrella, swimming pool side umbrellas has been given over here. So very beautifully designed complex. Again, some of the amenities you see over here. So this is like you can say a water park for the children. This is a kids play area over here, and this is the water park for small children over here, where they can go inside and they can slide inside the swimming pool. So this is a small kids swimming pool, as well as they can it's like a small water park for them, for kids. So children will really love this type of swimming pool with small water park theme over here. Like, you know, children will really love this swimming pool over here. ज्यादातर लोग फिर बच्चे जाते नहीं पूल के अंदर, वो घबराते हैं जब स्टार्टिंग में जब स्विमिंग पूल में जाना होता है, स्विमिंग सीखना होता है, तो बड़े पानी में घबराते हैं. तो एटलीस्ट छोटे पानी में उनको हैबिट बना हुआ, ऐसे गेम के थ्रू ऐसे तो थोड़ा सा कुछ एमिनिटीज दिया हुआ है, जहाँ पर वाटर थीम दिया गया हुआ है, वाटर पार्क दिया हुआ है, तो फिर बच्चे थोड़ा सा यूज हो जाते हैं वाटर के साथ, और फिर वो स्विमिंग भी जल्दी सीख लेते हैं ऐसे केस में. Again, there is a walking trail over here, jogging track is there over here, and you see there's one more ground over here. So this ground can be used, it's a multi-purpose court basically over here. So this court can be used for a long tennis or badminton court or anything, it can be used even for a meditation, for yoga, laughing club, anything it can be used. So this is multi-purpose court over here. There is a senior citizenship sitting corner over here, and again few amenities are given over, some amenities are given here over here. Oh, this is again the image of the kids area, kids play area. So this is also very unique and very well designed, and most of the good amenities builder has is providing in this complex. So here you see, as I told you, there's a big ground which can be used for a multi-purpose court. So now this here you can because it's a big ground, so this can be used for football also, and even you can play a cricket also over here. So this pitch can be used, that this ground can be used for a multi-purpose court. But basically, agar football ke liye use karo to zyada acha hai. Here it is written multi-purpose sports court, they have written over here, but क्रिकेट के लिए अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कोई स्पोर्ट्स होता है, कुछ एक्टिविटीज होती है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जनरली फुटबॉल के लिए ज़्यादातर यूज होगा ये कोर्ट. सो फ्रेंड, दिस इज अगेन द इमेज ऑफ द बिल्डिंग, एंड यू सी द एंट्रेंस प्लेस. एज आई टोल्ड यू, रात के टाइम जब लाइटें वगैरह जलती है तो जो कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी ग्लैमरस लगता है. और यहाँ पर भी आप देखोगे, दिस इज द एंट्री लॉबी समवेयर ओवर हियर, एंड यू कैन सी द फ्लैट्स एंड विद बैल्कनीज, ऑल द फ्लैट्स हैज बीन गिवन. एंड सो इवन टू वॉक इनसाइड द फ्लैट विद दिस टाइप ऑफ सराउंडिंग्स, एंड यू सी द लाइटनिंग्स एंड ट्रीज एंड एवरीथिंग, सो इट लुक्स वेरी गुड. सो देयर इज अ रिटेल प्लाजा बिलो द कॉम्प्लेक्स, आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स बिलो दे हैव गिवन द रिटेल प्लाजा ऑल्सो.
तो यहाँ पर रिटेल प्लाजा में जरूरत की जो भी चीजें होगी वो आपके बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे नजदीक होगी। तो देयर इज अ रिटेल प्लाजा ऑल्सो गिवन विच इज नेम हैज नेक्स्ट प्लाजा बिकॉज द नेक्स्ट जोन इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस प्लाजा का नाम नेक्स्ट प्लाजा रखा हुआ है विच यू विल गेट बहुत सारी आपको जरूरत की जो चीजें होगी वो आपको नीचे मिल जाएगी। आपका मिनी शॉपिंग भी हो जाएगा नीचे जाओगे। सो दिस इज अगेन द इमेज ऑफ द मिनी प्लाजा वेयर बोथ द साइड गुड रिटेल शॉप्स हैज बीन गिवन एंड इट कुड बी अ ब्रांड इट कुड बी अ रिटेल शॉप एनीबडी कैन कम ओवर हियर। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट जो भी जरूरत की चीजें होगी या विंडो शॉपिंग करना है या मार्केटिंग करना है या आपको कुछ ऐसी कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो सारी चीजें ये नीचे अवेलेबल रहेगी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्मली मेरे हर एक वीडियो में मैं सबसे पहले इसको कवरअप करता हूँ लेकिन क्योंकि ये PPT आज थोड़ा स्लाइडिंग में चल रहा है इसके लिए मैं आपको अभी कवरअप कर रहा हूँ। मैराथन नेक्सॉन जो है वो है पनवेल में और पनवेल का सबसे बड़ा एडवांटेज जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर एक नया एयरपोर्ट आ रहा है जो नवी मुंबई एयरपोर्ट रहेगा। पनवेल स्टेशन से ये 4.2 किलोमीटर नेक्सॉन जो है 4.2 किलोमीटर दूर है और यहाँ से इस जंक्शन से जब हम लोग मुंबई से अगर आते हैं तो बाई रोड अगर आते हैं तो पनवेल से ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है जो कि लोनावाला और पूना की तरफ जाएगा। ये वाला जो मैं आपको रास्ते की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है और यहाँ से इसी जंक्शन से अगर राइट जाते हो तो ये गोवा की तरफ जाता है। पनवेल गोवा हाईवे है ये और नेक्सॉन जो है एग्जैक्टली इसके जंक्शन के ऊपर ही लोकेटेड है। तो मतलब यहाँ से आप कोई भी डिस्टेंस पे आप रेलवे स्टेशन की तरफ, आप लोनावाला की तरफ, आप गोवा की तरफ, आप पीछे कलमबुली की तरफ, खारगर की तरफ, बेलापुर, एनीवेयर, ये न्यू बॉम्बे, तो आप कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो और इतना बेसिकली कहीं जहाँ पर भी लोग रहते हो तो बेसिकली सराउंडिंग एरियाज ही देखते हैं कि यहाँ पर सराउंडिंग एरिया में इकोसिस्टम क्या डेवलप्ड है। अनलेस आप डिस्टेंस में ट्रैवल करते हो तो डिस्टेंस का तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन सराउंडिंग में इकोसिस्टम में क्या क्या अवेलेबल है लोग ज़्यादातर वो देखते हैं और उसमें ज़्यादातर यही आता है, स्कूल आता है, कॉलेजेस आता है और आपकी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें जो आप खरीदते हैं वो शॉपिंग मार्ट कहाँ पे वो आता है, उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं, हॉस्पिटल होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको कोई रेस्टोरेंट में जाना है, आपको कोई क्लब ज्वाइन करना है या आपको कोई अच्छे फंक्शन अटेंड करना है तो जहाँ पर रहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको आपके इकोसिस्टम के अंदर सारा वो कुछ फ्रेंड सर्कल बन जाता है। पर अदरवाइज आपको अगर डिस्टेंस में ट्रैवल करना है जहाँ पर आपके रिलेटिव्स रहते हैं, कुछ लोग बॉम्बे में रहते हैं, कुछ डोंबिवली रहते हैं, कुछ कारगर रहते हैं, कुछ दूर भी रहते हैं, कुछ आउट ऑफ मुंबई भी रहते हैं, ऐसा भी होता है तो कभी कभार आपको भी ट्रैवलिंग करना होता है। तो ये जो रूट है ये पहली बात तो ट्रेन रूट है जो कि बेलापुर नेरल से होते हुए, वाशी होते हुए ये कुरला तक चले जाएगा, फिर कुरला से यहाँ से बोथ द साइड इट इज कनेक्टेड टू थाना एंड टू CST। तो ये एक ट्रेन रूट है और दूसरा जो रूट है बाय रोड जो है जो चेंबूर से अगर आते हैं साइन पनवेल से यहाँ से होते हुए ऑरेंज लाइन आप देख रहे हो ये खारगर और कलमबुली क्रॉस करते हुए, पनवेल क्रॉस करते हुए फिर ये आगे पूना और आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स का ये है कि एक सबसे बड़ा जो यहाँ से एक रूट कहीं से कनेक्ट हो रहा है जो फ्लाईओवर होगा साउथ मुंबई से और ये नौसेना करके कोई जगह है अलीबाग में वहाँ पर कनेक्ट होगा। तो जब ये फ्लाईओवर जब यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट हो जाता है तो जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो भी ब्रिज जब सी वाटर से कनेक्ट होता है, स्पेशली जब सी से कनेक्ट होता है कोई भी ब्रिज, तो इस लोकेलिटी का भाव और इस लोकेलिटी का भाव वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ये सारा जो लोकेलिटी आप देख रहे हो इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे आप देख रहे हो ये मुंबई का नॉर्थ पोर्शन है और ये थाना साइड का पोर्शन है, ये वैसे के वैसे ही रहेगा
पर क्योंकि वो ब्रिज डायरेक्ट साउथ मुंबई से एक बड़ा ब्रिज डायरेक्ट नौसेना पोर्ट पे कनेक्ट होगा जो कि अलीबाग के तरफ है, तो अलीबाग पनवेल ये साइड का जो भी एरिया का जो रेट है वो सीधा ऊपर शूटअप हो जाता है, उसका प्राइस सीधा सीधा ऊपर बढ़ जाता है। तो उसका इसका जो काम अभी चल रहा है, ये ब्रिज करीबन अगले तीन साल के अंदर रेडी हो जाएगा। प्लस एक रोप ट्रैवल भी है जो कि साउथ मुंबई से कहीं से वो रोप जो है वो नीचे से जो रोप से ट्रैवल, रोप वे बोलते हैं उसको, जो नीचे से रोप से करीबन 15-20 पैसेंजर उसके अंदर बैठकर वो रोप से ट्रैवल करके, जैसे आपने यूरोप में वगैरह देखा होगा कि एक माउंटेन से अगर दूसरे माउंटेन पे जाना है तो वो रोप से ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर भी नॉर्थ साइड में भी कई जगह ऐसा बना हुआ है, रोप ट्रैवलिंग रोप वे उसको बोलते हैं बेसिकली। तो वो रोप वे भी बन रहा है जो कि सीधा वो सी को कनेक्ट, सी को क्रॉस करते हुए सीधा अलीबाग आएगा। तो ट्रैवलिंग टाइम जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं दादर और इस तरफ के साउथ जोन में जो भी रहते हैं, वो डेफिनेटली इस एरिया को बाय रोड क्रॉस करके नहीं आएंगे, वो बाय रोड आएंगे तो वो ब्रिज जंप करके आएंगे, या तो अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर देंगे, बाय रोड यहाँ से ट्रैवल करके आएंगे अगर उनको एयरपोर्ट से जाना है, यहाँ से एयरपोर्ट से जाना है। तो दो रास्ता है, बाय रोड भी आ सकते हैं और बाय रोप वे भी आ सकते हैं। और दूसरा, एक फेरी तो ऑलरेडी चल ही रहा है, एक फेरी ऑलरेडी साउथ मुंबई से नौसेना पोर्ट अलीबाग तक एक फेरी जो है जिसको फेरी टैक्सी बोलते हैं, वो ऑलरेडी चल रहा है। वो हम लोग वहां तक गए नहीं, कभी उस वहां से ट्रैवल नहीं किया तो हम लोग को पता नहीं, पर वो ऑलरेडी चल रहा है वो फेरी। तो ये सारी चीज़ों का वो एडवांटेज रहेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, और प्लस बहुत सारा अदर डेवलपमेंट भी है इस प्रोजेक्ट को लेकर का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। बिल्डिंग तो अपनी जगह पे है, बिल्डर ब्रांडेड है, फ्लैट अच्छा बन रहा है, फ्लैट अभी रीजनेबल भाव में मिल रहा है, लेकिन पनवेल का इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो इस प्रोजेक्ट को भी उसका बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट इस तरीके से मिलता है कि इसका प्राइस सीधा ऊपर शूटअप हो जाता है। तो यहाँ पर जो तीन तरीके के लोग जो लेने वाले हैं, एक तो एंड यूज़र होगा, एक तो इन्वेस्टर होगा, या तो सराउंडिंग एरिया में जो रहते होंगे उनको फ्लैट में रहना होगा तो वो फ्लैट में रह सकते हैं। तो दो टाइप के एंड यूज़र हो गए और एक टाइप के इन्वेस्टर हो गए, और चौथा जो है एक सेकेंड होम के हिसाब से भी लोग लेते हैं। जो लोग काफ़ी डिस्टेंस पे नहीं जाना चाहते, थोड़े डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं, तो सेकेंड होम के हिसाब से भी लोग अलीबाग में चलो आ गए, वहाँ से पनवेल चले गए, वहाँ अपने घर में थोड़ा टाइम रह लिया, पनवेल घूम लिया, उसके बाद फिर अलीबाग से बाय रोड मुंबई आ जाते हैं, या तो फिर थाना में रहने वाले वहाँ से बैक साइड से आ जाते हैं। तो ये नवी मुंबई मेट्रो ट्रायल्स टू स्टार्ट दिस वीक, ये 25 अगस्त का न्यूज़ है। तो अगर ये 25 अगस्त का न्यूज़ है तो शायद ये अब तक शुरू भी हो गया होगा, जो कि नवी मुंबई मेट्रो ट्रायल्स है, ये अभी तक शुरू भी हो गया होगा, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद ये हो चुका होगा। सो दिस इज अगेन द प्लस पॉइंट के मेट्रो लाइंस आर कनेक्टिंग टू पनवेल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मेट्रो पनवेल विल बी द मेन जंक्शन वेयर फ्रॉम ऑल द रेलवे लाइंस एंड मेट्रो लाइंस एंड रोड्स एंड ब्रिजेस एंड एवरीथिंग विल बी कनेक्टिंग टू पनवेल। Again, the phase one of Navi Mumbai Airport is expected to be completed by 2023-24. तो ये मैं आज भी अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि एयरपोर्ट अगले 2 साल से 2.5 साल में रेडी हो जाएगा, और जैसे ही फेस वन नवी मुंबई एयरपोर्ट का रेडी हो जाता है तो इतने टाइम से जो खारगर पनवेल सीवूड और उस एरिया में जो लोग वेट कर रहे थे कि प्राइस बढ़ेगा इस एरिया में, तो एयरपोर्ट का तो अभी तो ये तो पुरानी बात होगी, एयरपोर्ट का तो प्राइस उसके वजह से तो प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, पर उसके आगे 6 डेवलपमेंट और भी आगे आ रहा है, तो उसके वजह से भी इंफ्रास्ट्रक्चर वजह से भी ये इसका प्राइस आगे बढ़ेगा। व्हेन वी स्पीक अबाउट मैराथन डेवलपर, दे आर मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी एंड 80 प्रोजेक्ट्स दे हैव कंप्लीटेड एंड दे आर इन टू
fast growing neighborhoods and affordable housings also they are making. You can take the benefit of affordable housings in this project also. अगर आपका ये पहला घर है तो आपको वो 2.5 लाख का benefit भी मिलेगा जो कि affordable housings में आता है. आप इस बॉडी बिल्डिंग में भी इसका benefit आप ले सकते हो. और मैराथन ग्रुप जो है वो इकोनॉमिक फ्लैट्स भी बनाते हैं, लग्जरी टावर्स भी बनाते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, स्मॉल ऑफिसेज, लार्ज बिजनेस सेंटर्स, सब टाइप का जैसे रिक्वायरमेंट होगा एरिया का फिर वो हिसाब से वो अपना प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. सेकेंडली मैराथन ग्रुप इज 52 ईयर्स इनटू रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड 80 प्रोजेक्ट्स दे हैव कंप्लीटेड and around 2 million square feet of business space is under development right now. So 2 million is 20 lakh square feet. So ये picture जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ये जो flyover है ये सीधा नौसेना यहाँ पर अलीबाग तक आएगा. ये new airport है और ये metro line जो है यहाँ पर connect होते हुए यहाँ तक आता पनवेल तक आती है और फिर यहाँ से पनवेल से further ये आगे थाना तक जाएगी. और दिस इज द सेकेंड बीकेसी विच हैज बीन डिक्लेयर्ड विच कमर्शियल हब्स विल बी कमिंग ओवर हियर. एंड दिस ऑरेंज लाइन इज द रोड लाइन विच वी से एज अलीबाग विरार कॉरिडोर. दिस इज द रोड लाइन विच इज गोइंग टू विरार, अप टू विरार इट इज गोइंग. सो अगर आप इस सराउंडिंग एरिया में आप देखोगे तो एयरपोर्ट के अलावा मेट्रो, बीकेसी, 370 किलोमीटर ऑफ स्क्वायर मीटर्स एज डिक्लेयर्ड बाय द नैना विच हैज टू दे हैव टू गिव ऑल द कमर्शियल हब्स एंड ऑल द फैसिलिटीज टू दिस एरिया एंड अगेन द फ्लाईओवर. और यहाँ पर एक चीज नहीं बताया जो रोप वे अभी तक बताया नहीं यहाँ पर, बट दैट इज ऑल्सो द प्लस पॉइंट फॉर दिस प्रोजेक्ट. सो फ्रेंड्स वेन वी सी अबाउट मैराथन नेक्सॉन, सो मैराथन नेक्सॉन वेन यू सी द कॉलेजेस देर आर न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल, देर इज दिल्ली पब्लिक स्कूल, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, महात्मा एजुकेशन सोसाइटी, पिल्लाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, एमईटी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, Saint Wilfred College and BAV Public School. So these all school and colleges are 6 to 7 and only one is 11 kilometer from this complex which is Saint Wilfred College. Or hospital wise agar aap dekhenge to Life Care Multi Speciality Hospital, Lifeline Hospital, Lakshmi Eye Hospital, Prachin Healthcare Multi Speciality Hospital, Sahastra Bude Hospital and ICU and Shukam Hospital. This is all 6 to 7 kilometers from this area. And if you see the banks are very close by, 5 to 6 kilometers, even 3 kilometers, which is SBI, Axis Bank, HDFC Bank and Bank of Maharashtra. And when you see the malls, there are K Mall, Orion Mall, Nagar Palika Shopping Complex and Reliance Smart. So Reliance Smart is 1 kilometer from this complex. So these are all the ecosystem. So friends, when you see the price chart over here, basically Bodhi ka to price chart ye hai nahi. To aapko main bata dun pehle ke Bodhi mein jo hai 459 carpet hai, sirf 1 BHK isme bana hua hai. Aur uska price jo shuru hota hai 51,70,000 which includes everything, your stamp duty, registration, GST and society development charges. अब ये प्राइस में मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि फेस वन में जहाँ पर ये चार बिल्डिंग है और यहाँ पर जो चार बिल्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें 2 BHK, 2.5 BHK है, अलग अलग एरियाज है, 626, 686, 708, 686, अगेन 749, 858, फिर सीडार बिल्डिंग में आप देखोगे 449 है विच इज़ फेस टू का जो है, और डेफोडेल में 664 है जिसका पोजीशन यहाँ पर आप देखोगे 2023 से लेके 2024 और 25 तक है, राइट. तो दीज ऑल बिल्डिंग्स ऑफ फेस वन, यहाँ से जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, दीज बिल्डिंग्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन. सो 90% फ्लैट्स आर सोल्ड आउट, फ्यू फ्लैट्स आर अवेलेबल इन दिस बिल्डिंग. अगर आप समझ लो इसमें नहीं लेना चाहते हो, बॉडी में 1 BHK नहीं लेना चाहते हो, अगर आपका रिक्वायरमेंट 2 BHK है, तो वी कैन वर्क आउट इन दिस बिल्डिंग ओवर हियर
अगर कुछ फ्लैट इसमें अवेलेबल है तो ये इसका सारा कारपेट एरिया लिखा हुआ है, जिसका प्राइस जो होगा विदाउट कार पार्किंग जो प्राइस होगा वो करीबन शुरू होता है 72 लाख से। तो 72, 82, 88, 77, 85, 99 लाख, फिर 1 crore 9 lakhs, फिर अगेन 44 lakh 50,000, 46, 45, 46 to 56 lakhs, 71 lakhs। सो दीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट प्राइसेस आर देयर। सो दैट यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर ऑन 7400138561, सो आई विल हेल्प यू आउट फॉर द बुकिंग। So friend, that's all for today. This was all about Marathon Nexon at Panvel. And for booking, you can contact me on 7400138561. And don't forget to like, subscribe and share to this channel. And see you soon, very soon, with one more launch, one more project, one more branded developer very soon. Thank you for watching this show.